दोस्तों मौजूद है बरेली की MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच में। आज आपने सेना का शौर्य देखा है। बरेली में 71 की जंग हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत ने फतेह किया था और बांग्लादेश की स्थापना कराई थी। उसके 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक बड़ा भव्य आयोजन हुआ है कैंपस में। हम मौजूद है छात्रों के बीच में। मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सर? काफी अच्छा, पहली बार ये सब हुआ है। मैं जब से पिछले साल सेकंड ईयर का छात्र हूँ, मैं पहली बार ये सब हो रहा है तो काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे दर्शक मेरे? ये हमारे वहाँ जो ये ऑर्गेनाइज्ड है, इससे हम लोग को जो है पेट्रोटिज्म की फीलिंग को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। और बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे माहौल बना हुआ है, इन्वायरमेंट है, हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं यूनिवर्सिटी ऐसे जो है इनिशिएटिव लेता है। हम आए हैं MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कैंपस में और यहाँ पर सेना की तरफ से एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। एक तोप मेरे कैमरे की नज़र में आप देख भी रहे होंगे, बॉर्डर पर दिखने वाली ये तोप आज स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के पास से देखने का अवसर मिला है। शायद हम लोग फिल्मों में देख पाए होंगे या कहीं और देख रहे होंगे, लेकिन आज अपनी आँखों से खुद देख रहे हैं शानदार तोप। देखिए, सेना के अधिकारी बता रहे हैं अपनी एनिमेशन के बारे में, शस्त्रों के बारे में, हथियारों के बारे में, कैसे दांत खट्टे किए थे 71 की लड़ाई में दुश्मनों के। सेना का शौर्य देखने लायक है। आज MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस के छात्रों ने भी आज देखा और समझा है। मिलिट्री के जवान समझा रहे हैं प्रोग्राम के बाद। और मेरे पीछे देख रहे हैं, एक तोप लगी हुई है और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम सेना का भी कुछ देर पहले हुआ है। सेना का ड्रम हमने पहले भी दिखाया था पिछली रिपोर्ट में आपको, आज हम एक और रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं। सेना के अधिकारी बता रहे हैं स्टूडेंट्स को, कोर जो सैनिक हमारे घायल हो जाते हैं युद्ध लड़ते हुए, इसको कैसे ये सेना के मिलिट्री कोर से जुड़े जाबाज हमारे लोग पहाड़ों पर पहुंचते हैं, घायलों को चिकित्सीय सेवा करते हैं, जो युद्ध के मैदान में घायल होते हैं, ऐसे महान सैनिक भी हमारे बीच में हैं। कि भारत माता की जय, ऐसे जोशीले नारे लग रहे हैं बरेली की यूनिवर्सिटी कैंपस के उस हॉस्टल में जहां भी अभी कुछ देर पहले सेना का एक भव्य कार्यक्रम हुआ है। 1971 की जंग में भारत जीता था, पाकिस्तान हारा था, दो टुकड़े हुए थे, उसके याद में 50 साल प्रोग्राम बरेली में भी हुआ है। और कुछ देर पहले मिलिट्री के अधिकारी हम मौजूद है, आर्मी मेडिकल कोर की टीम मौजूद है, NCC के स्टूडेंट एक मौजूद है कैमरे की नज़र में आप देख रहे होंगे उनको, एक और नौजवान मौजूद हैं, इनकी जवानी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। साथ सेना के शौर्य को देखने के बाद नौजवान कैसा फील कर रहे हैं, कुछ नौजवानों से हम बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम आशीष राय है। कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? BTEC सेकेंड ईयर है हमारा। आज आपने ये प्रोग्राम देखा, आपको कैसा लगा, खासतौर से मिलिट्री कोर का प्रोग्राम देखने के बाद? सर, हमें ये देखने के बाद ये सही लगा कि मतलब हर तरीके से हमारा फोर्स जो है ऑल एमरजेंसी में हमेशा रेडी रहेगा, हर चीज़ के लिए, क्विक एक्शन के लिए, चाहे हमें कोई भी एक्शन चाहिए, धीरे से धीरे, फास्ट से फास्ट, हर चीज़ हमें मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा कोई भी पेशेंट को। क्या नाम आपका? मेरा नाम अलंकृता शर्मा है सर। अच्छा अच्छा, यह पढ़ रही क्या? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी आज सेना का प्रोग्राम देखने के बाद? एक्चुअली मैं एक NCC की स्टूडेंट भी हूँ और सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, तो मैंने ये सब चीज़ें बहुत देखी हुई हैं अभी अपने मिलिट्री हॉस्पिटल कैंप में, बट मुझे यहाँ जब ये लगा तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन सबको ये चीज़ें देखने को मिली तो बहुत अच्छा लगा। हेल्थ एंड हाइजीन, मेडिकेशन, हर चीज़ का यहाँ पे उन्होंने अपना वो कराया एग्जीबिशन में कि कैसे कैसे, और जो सर हमारे जो लोग हैं वो जैसे हम लोगों को समझा रहे हैं तो हमें लग रहा है हाँ कि आर्मी की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है और कितनी अच्छी भी होती है। सेना के एक अधिकारी हिसाब से भी हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या सर आपका क्या नाम है? मेरा सुधार जयेंद्र सिंह सर। 306 फील्ड हॉस्पिटल, हमारे
सर हमारे चैनल के माध्यम से यूथ के लिए क्या इंस्पिरेशन में कहना चाहेंगे? हम यही सोचते हैं कि जो हम इतना आर्मी में हम संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, सभी लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि आप भी अपना देश का हौसला बढ़ाओ और इस आर्मी में आओ और अपने देश का शान बढ़ाओ। जैसे हमने आपको दिखाया अभी मेडिकल क्विक रिएक्शन टीम का ये एक्शन था हमारा, किसी की पेशेंट की जान बचाना हमारा मेन मकसद है। एक घायल सैनिक की मदद के लिए दौड़ रहे हैं पूरे सेना के जवान, किस तरीके से घायल सैनिक की जान बचानी है, उसको फर्स्ट एड देनी है, प्राथमिक चिकित्सा देनी है। समय बहुत कम है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम करना है सेना को अपने साथी की जान बचाने के लिए। जो मेरे कैमरे की निगाह में आप देख भी रहे होंगे किस तरीके से काम करते हैं हमारे सैनिक, और सारा इलाज का बंदोबस्त सामान उनकी फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर है। एकदम देखिए स्ट्रेचर भी तैयार है और स्ट्रेचर ऑक्सीजन दे रहे हैं और लाइफ सेविंग ड्रग्स अभी दी हैं, और दिखा रहा हूँ कैमरे की नज़र किस तरीके से स्ट्रेचर को खोलकर और अपने घायल सैनिक की मदद कर रहे हैं आर्मी मेडिकल कोर के जवान। देखिए इस तरीके से हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से वैन के अंदर ले जाने का पूरा दृश्य जो आप देख रहे होंगे, ये कोई और नहीं इंडियन आर्मी के जवान आई भी लगा जो देख रहे हैं। तुरंत एम्बुलेंस के अंदर भी तमाम आईवी कैथ जिसे कहते हैं इंट्रावीनस इंजेक्शन दे रहे हैं और अपने साथी की जान की हिफाजत करने के लिए कितने मुस्तैद रहते हैं बॉर्डर पर हमारे जवान, वो आपने इस डेमोस्ट्रेशन में देखा। इस अधिकारी मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे ये कौन सी यूनिट थी सर आपकी जो आपका कर मिलिट्री? हमारा जो QRMT था क्विक रिएक्शन मेडिकल टीम में, ये 306 फील्ड हॉस्पिटल जो 6 माउंटेन डीप के अंदर में आता है, वो हमारे कर्नल सुनील वर्मा के अनुवाई में 306 फील्ड हॉस्पिटल का आपने प्रदर्शनी देखा। देखिए उस प्रदर्शन से जुड़े हुए और सेना के अधिकारी मैं आपको मिलवा रहा हूँ कैमरे की नज़र से मौजूद हैं, और साथ ही दिखा रहा हूँ वह कैडेवर जिसे पुतला कह सकते हैं अपनी भाषा में, जिसकी मदद की थी इन सेना के जावाज सिपाहियों ने। मसाल जो 50वीं जयंती पर आज़ादी की आई है, 1971 की जंग के बाद शौर्य मसाल दिल्ली से चली थी जो बरेली पहुंची है, और जो हम आपको दिखा रहे हैं
AK सिंह साहब क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? ये प्रदर्शनी नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत है और हम नौजवानों से अपील करते हैं कि सेना की मतलब देश की रक्षा के लिए सेना की सेवा जरूर दें। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हथियार इस्तेमाल हमारी भारतीय सेना ने किया था 1971 में, वो वहाँ के हथियारों की प्रदर्शनी आज विश्वविद्यालय के छात्रों के हेतु और पब्लिक हेतु लगाई गई है कि हमारी भारतीय सेना कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करती है, उनका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन।